Good morning, students. Today I am going to explain chapter 8 in English grammar, he, she, it pronouns. This is the last chapter of your half yearly syllabus. Pronoun, he, she and it. And what is a pronoun? Pronoun kya hote hain? A pronoun is a word which used in place of a noun. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं. नाउन क्या होता है? स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया था, नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी का भी नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, अब किसी भी चीज का नाम. फिर किसी का भी नाम है तो वो नाउन होगा. देखो, बिना नाम के तो कुछ होता नहीं है, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है ना? तो हम नाम से उसको बुलाते हैं. अब उन्हीं नाम की जगह हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होते हैं हमारे प्रोनाउंस. अब देखिए, अगर हमें कोई चीज किसी के बारे में बतानी हो और हम बार बार अगर उसी का नाम लेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, ऑड लगेगा. तो इसीलिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं कि अगर किसी के बारे में, किसी चाहे इंसान के बारे में हो, चाहे किसी जगह के बारे में हो, और अगर हमें उनके बारे में बार बार बताना हो तो हम एक बार उनका नाम ले लें और बार बार हम उसकी जगह पे प्रोनाउन वर्ड यूज करें. ठीक, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, बट अभी आप लोग छोटे हो तो आपने कुछ दिए हुए हैं. तो आपके 8 चैप्टर में कौन कौन से हैं? ही, शी, इट. ही मीन्स क्या होता है? वह. शी मीन्स भी वह होता है, इट मीन्स भी वही होगा. लेकिन ही वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? मेल पर्सन के लिए. मेल पर्सन के लिए हम लोग ही वर्ड यूज करते हैं. मेल मीन्स पुरुष लोग, आदमी लोग, लड़के कह सकते हो आप. अगर किसी लड़के का नाम होगा, किसी मैन का नेम होगा, तो वहां पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे उनके लिए प्रोनाउन? ही. जैसे आपने अभी जेंडर पढ़ा था ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, ही वर्ड, शी वर्ड, उसमें था ना, ही वर्ड, शी वर्ड में. तो ही में कौन आएंगे? मैस्कुलिन जेंडर वाले, यानी मेल पर्संस. और शी, शी में कौन आएगा? गर्ल्स, फीमेल पर्संस, यानी गर्ल्स, वुमेन, ये सब आते हैं शी में. तो उनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी. और इट, इट में किसके लिए आता है? इट हमारा आता है एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे या किसी एनिमल के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट. तो यहाँ पे हमारे तीन है, ही, शी और इट. यानी अगर लड़कियों के बारे में बात करेंगे तो हम शी, लड़कों के बारे में बात करेंगे तो ही, और एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स, समान थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा? इट. ठीक, चलिए बुक में देखिए. रीड द पैराग्राफ्स गिवन बिलो. कहते हैं जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको पढ़िए. राहुल इज अ 7-year-old बॉय. राहुल एक 7 साल का लड़का है. अब राहुल, राहुल कौन है? लड़का है ना, बॉय है. राहुल प्लेज क्रिकेट. राहुल क्रिकेट खेलता है. राहुल इज गुड इन स्टडीज. राहुल पढ़ने में अच्छा है. राहुल ईट्स चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स. राहुल चॉकलेट और आइसक्रीम खाता है. राहुल रीड्स बुक. राहुल बुक्स पढ़ता है. अब देखिए, राहुल 7 इयर्स का है, राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल पढ़ाई में अच्छा है, राहुल चॉकलेट खाता है, आइसक्रीम खाता है, राहुल बुक पढ़ता है. अब बार बार हम यहाँ पे किसका नाम ले रहे हैं? राहुल, बॉय का. द नेम राहुल इन द अबव पैराग्राफ इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. ये राहुल नाम इस पूरे पैराग्राफ में बार बार रिपीट हो रहा है. दिस मेक्स इट ऑड टू रीड. ये पढ़ने में बहुत ऑड लग रहा है ना. अब हम बार बार वही 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 उसी का नाम ले लेके बोल रहे हैं, है ना, लग रहा है ना पढ़ने में आओ ऑड. Now read this paragraph below. कह रहे अब इस पैराग्राफ को पढ़िए. राहुल इज अ 7-year-old बॉय. ही प्लेज क्रिकेट. ही इज गुड इन स्टडीज. ही ईट्स चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स. ही रीड्स बुक्स. अब देखो, राहुल 7 साल का लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह पढ़ाई में अच्छा है, वह चॉकलेट और आइसक्रीम खाता है, वह बुक्स पढ़ता है, किताबें पढ़ता है ना. अब देखिए, राहुल की जगह पे क्या प्रोनाउन यूज हुआ? ही, क्योंकि राहुल क्या है? बॉय, लड़का है. Here he has replaced Rahul to provide proper flow to the paragraph. यहाँ पे क्या किया? राहुल की जगह बार बार he word use किया है जिससे paragraph को properly flow में पढ़ा जा सके. देखो, इसको पढ़ने में odd भी नहीं लगा ना, तो इसलिए हम लोग pronoun का use करते हैं.
अदर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, मेल पर्सन के लिए ही, फीमेल के लिए शी और एनिमल्स के लिए इट। ठीक, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। देखो लड़का, बॉय के लिए हमने क्या यूज किया, ही। शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। अब लड़की के लिए हमने क्या यूज किया, गर्ल वर्ड यूज किया ना। इट इज माई पेट डॉग, यह मेरा पेट डॉग है। देखो यह कौन है, मेरा पेट डॉग है, डॉग, डॉग के लिए यूज हो रहा है ना। तो इट इट इज माई पेन, यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पेन के लिए कह रहे हैं ना, तो पेन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, इट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है ना। चलिए एक्सरसाइज वन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही शी और इट। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ही शी या फिर इट फिल करना है। सौम्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सौम्या एक सुंदर लड़की है। देखो किसके बारे में बता रहे, कौन है सुंदर, सौम्या है ना, सौम्या गर्ल है, तो उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा, शी। शी इज वियरिंग अ प्रीटी ड्रेस, वह एक प्यारी सी ड्रेस पहन रही है, पहने है। फिर हैज अ ब्रदर, किसके ब्रदर है, सौम्या के ब्रदर है ना, तो सौम्या के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, शी, तो शी हैज अ ब्रदर। हिज नेम इज अभय, उसका नाम अभय है। इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, कौन किसको फुटबॉल खेलना पसंद है, उसका नाम कहा गया कि उसका नाम अभय है, किसका, सौम्या के भाई का। तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में बता रहे हैं फुटबॉल खेलना पसंद है, अभय को, तो अभय कौन है, बॉय है ना, तो बॉय के लिए यहाँ थर्ड नंबर पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। दे हैव अ पेट कैट, अब दे किसके लिए यूज हुआ है, दो लोग है ना, दे दो लोगों, दे कौन सा प्रोनाउन होता है, ये आपके मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा हो, तो यहाँ पे दो बच्चे हो गए ना, दो लोगों की बात हो गई, इसलिए उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, दे हैव अ पेट कैट, हैज हेयरी बॉडी, उसकी बॉडी हेयरी मतलब हर रोए वाली है, किसकी, कैट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास क्या है, उन लोगों के पास एक पेट कैट है और उसकी बॉडी कैसे रोए वाली है, तो किसकी है, कैट की है, कैट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, इट, इट हैज हेयरी बॉडी। लुक्स वेरी क्विट क्यूट, बोथ द चिल्ड्रन प्ले विद देयर पेट कैट, कौन क्यूट दिख रहा है, कैट के लिए कहा जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा कैट के लिए, इट, इट लुक्स वेरी क्यूट, बोथ द चिल्ड्रन प्ले विद देयर पेट कैट डेली। ठीक, तो यानी अगर गर्ल है तो उसके लिए हम, गर्ल है या वुमेन है मतलब फीमेल है, तो उसके लिए हम शी यूज करेंगे, मेल है अगर आदमी है तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे, और अगर एनिमल है तो उसके लिए हम इट प्रोनाउन यूज करेंगे, और जहां पे दो लोगों की बात की जा रही हो या दो से ज्यादा की, तो वहां हम दे प्रोनाउन यूज करेंगे, ये आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब आते एक्सरसाइज टू में, रिप्लेस द अंडरलाइन नेमिंग वर्ड्स बाय ही शी और इट एंड रिराइट द सेंटेंसेस। इसमें आपको क्या करना है, देखो कुछ वर्ड्स लिखे उसमें अंडरलाइन है, सारे वर्ड्स में अंडरलाइन नहीं है, कुछ वर्ड्स में अंडरलाइन है, तो जिस वर्ड में अंडरलाइन है उसकी जगह हमें प्रोनाउन यूज करना है, ही शी या फिर इट, और फिर से वो सेंटेंसेस लिखना है। जैसे अक्षरा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अक्षरा एक सुंदर लड़की है, तो अक्षरा के नीचे अंडरलाइन है ना, तो अक्षरा के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, शी, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अर्पित राइट्स अ लेटर टू हिज सिस्टर, अर्पित अपने बहन को एक पत्र लिखता है, अर्पित, अर्पित क्या है, बॉय है ना, तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही राइट्स अ लेटर टू हिज सिस्टर, फुल स्टॉप। थर्ड, टाइगर अटैक्ड अ रैबिट, टाइगर, देखो टाइगर क्या है, एनिमल है ना, एनिमल के लिए कौन सा यूज होता है, इट, इट अटैक्ड अ रैबिट, फुल स्टॉप। फोर्थ नंबर, सान्या इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल स्कर्ट, सान्या, अब सान्या के लिए गर्ल है ना, तो शी इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल स्कर्ट। फाइव नंबर, प्रांशुल इज बेटर देन हर, प्रांशुल, आई थिंक नाम से तो लड़का लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ही इज बेटर देन हर, तो ये था आपका प्रोनाउन ही शी इट। नेक्स्ट में हम एट चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक मैं आपका हाफ ईयरली सिलेबस, ये आपका ग्रामर का कंप्लीट हो गया, और लिटरेचर का ऑलरेडी कंप्लीट है आपका हाफ ईयरली सिलेबस। ओके,